और कहीं समझ आई चली निक जाइए और मेरे सैया को टेर के महलन में बिटरिया लई और महारानी पवन रेखा ने क्या किया है और ये इसी बीच में हमारे रमेश भैया की तरफ से हमारे पास में 101 रुपए का हार आ रहा है जी जान जे लोग समझे हमें का जानकारी अच्छा तुम्हें लोग बताओ हमें तो जानकारी ना है चलो कोई बात नहीं ऐसा तो और इनकी तरफ से हमारे पास में 101 रुपए का हार आ रहा है। कलश वाली बिटिया अगर हमारी बात को सुनती हो तो अच्छी निकल करके खड़ी हो जाए इधर आ जाए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की खड़ी हो जाए जल्दी कलश वाली बिटिया आइए श्री हर हर गंगा मैया की रमण रेती में और 10-10 रुपए हमारे समय स्टाफ के लिए सम्मानित कर रहे हैं और 101 रुपए का हार से सम्मानित हमें कर रहे हैं और भगवान से सुख शांति की कामना करेंगे। दासी को बुलाया है दासी भेज दी है पवन रेखा ने आज दासी महाराज उग्रसेन को बुला करके महलों में जब लेकर के आई उग्रसेन ने आकर के पवन रेखा से पूछा तो पवन रेखा ने बताया स्वामी हमारे घर में कोई संतान नहीं है आगे चल के इस राजगद्दी का राजा कौन बनेगा। पवन रेखा रोने लगी और अपने स्वामी से जवाब दिया है स्वामी मेरी बात सुनो और क्या बोली है पवन रेखा अरे स्वामी नहीं कोई घर में कुमार अरे स्वामी नहीं कोई घर में कुमार जिंदगी कैसे होवे
करके अपने स्वामी से बोली, अरे स्वामी